हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने 21 साल तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बड़े बड़े कदम कांड कर दिए। आखिर कौन सी वो पांच इच्छाएं थी जिसके कारण ये और लड़कियों से अलग बन गई थी, चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लूसी को देखते हैं। ये आज कॉलेज में टॉप की थी। आज इसका कॉलेज में आखिरी दिन था। जब स्टेज में कुछ बोलने के लिए जाती है तो सभी बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं। सभी को इसका बोलते हैं सील पैक माल आ गई, जिससे इसे काफ़ी बुरा भी लगता है। यहाँ उसके मम्मी और पापा को देखते हैं जो उसे काफ़ी चेयर करते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक जिमी नाम का इसका दोस्त आ जाता है जो बचपन से इसके लेना चाहता था, इसे बहुत पसंद करता है और इसे डेट पर लेके जाना चाहता था, लेकिन लूसी को ऐसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब उसकी बड़ी बहन बोलती है इसके साथ चल जाने तो ये भी यहाँ से निकल जाएगा। तब हम देखते हैं उसकी दो फ्रेंड आ जाती है, मई और जून, जो उसे कहीं लेके जाती है, जो उसे बताती तो नहीं है कि कहाँ जा रही है। फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि हम एक पब डिस्को में जा रहे हैं और हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा करेंगे, लेकिन लूसी को ये जगह पसंद नहीं आता। और वो मई और जून को बोलती है मैं घर जा रही हूँ, और जैसे ही घर जाने के आगे बढ़ती है उसकी नज़र जो जो नाम की एक लड़के पर पड़ती है, और उसको देख कर के उसके कदम ठहर से जाते हैं। ऐसा लग रहा था उसके सोए हुए अरमान धीरे धीरे जागना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके तन बदन में आग लगना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि एक भूखे सैनिक के सामने एक शिकार पड़ा हुआ हो और वो पहली बार ज़िंदगी में दारू पीती और पीती और पीती और इतना ज़्यादा पी लेती है कि उसके बाद उसको कुछ होश ही नहीं रहता है। फिर उसकी दोनों फ्रेंड उसे एक रूम में ले जाकर सुला देते हैं, जहाँ कुछ देर के बाद जोचू अपनी गर्लफ्रेंड को खोजते हुए आता है। असल में वो अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में जाना चाहता था, लेकिन गलती से लूसी के रूम में घुस जाता है। उसे पहली किस करता है और किस करते करते समझ में आ जाता है कि वो गलत लड़की किस कर रहा है। तो वो रुक जाता है और बोलता है इतनी भी ऐसे तो किस करना भी नहीं आता। और ये सारी बातें वो जाकर के अपने दोस्तों को बताती है, जहाँ उसके फ्रेंड बोलते हैं तुम्हें किस किया, तुम्हें तो सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन छोड़ो हटाओ तुम ये समय कच्ची हो, तुमसे कुछ होने वाला भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो अगले दिन अपने बड़ी बहन कैंडी के पास बैठी होती है और फिर कैंडी उसे बोलती है कि रात को तुम पार्टी में गई थी ना, कुछ किया कि नहीं किया, फन मज़ा। तो यहाँ पर ही उसकी मम्मी बोलती है कि अगर उसे कुछ नहीं पता तो तुम उसे बता क्यों नहीं देती हो। लेकिन ये सब सुनकर कि कैंडी वहाँ से उठ के चली जाती है। आज उसका पहला दिन था, उसे लाइफ गार्ड की नौकरी लगी थी, जहाँ पर वो जोजो को देखती है, उसे देख करके काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो अपने बॉस से मिलती है जो सोया हुआ होता है, और उसके साथ ही उसे काम देता है, बोलता है कि तुम्हें पूरे पुल को साफ करना होगा और कोई भी लड़का इसकी मदद करेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं ये वो पूरे पुल को बेचारी अकेले ही साफ करती है। फिर यहाँ लूसी सबसे पहले अपनी बड़ी बहन कैंडी के पास जाती है, क्योंकि वो आज के दौर की लड़की थी और उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। वो बताती है कि मैंने 17 साल की उम्र में अपने बंजर खेत में हल चलवाया था। फिर बोलती ना 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 ना, मैंने तो 14 साल की उम्र में सब कुछ कर लिया था। फिर ये सारी बातें लूसी अपने डायरी में नोट करती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ तो कमी लगती है। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड मई और जून के पास जाती है, जहाँ उसके भी काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड थे, और वो भी जो भी बात बताती है और फिर वो सारी बातें नोट करती है। तो फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो अपने बंजर खेत में सबसे पहले हल चलवाएगी, लेकिन हल चलाएगा कौन, तो वो जिमी को चुनती है और जिमी को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। उसको बोलती है तुम मेरे बंजर खेत में हल चलाओ, लेकिन जिमी बोलते हैं ये कैसे किया जाता है, कहाँ से शुरू करो, कहाँ से एंड करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही सब सुन करके लूसी का मूड ख़राब हो जाता है, उन दोनों के बीच में कुछ होने से पहले ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और ये सारी बातें वो जाकर के अपने बेस्ट फ्रेंड मई अर्जुन को बताती है। मई अर्जुन बोलती है सबसे पहले तुम एक काम करो, गिटार बजाना स्टार्ट करो, और खूब गिटार बजाती है। और जब आखिरी टाइम में ही जब उसका ज्वालामुखी फटने वाला होता है, उसी समय कैंडी उसकी बड़ी बहन आ जाती है और उसे बोलती है इतना आवाज़ क्या हो रहा है, कर क्या रही हो तुम। तब फिर कुछ देर के बाद जिमी का कॉल आ जाता है, जिमी उसे अपने साथ डेट पर लेके जाना चाहता था। और फाइनली लूसी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर ये सब सुन करके जिमी काफ़ी खुश था। फिर यहाँ पे लूसी जब तैयार होती है, इस पर उसके इरादे कुछ ठीक नहीं था, और फिर वो जिमी के साथ डेट पर जाती है, जहाँ सडनली वो उसके चैन को जिप खोल देती है, फिर उसका गिटार बजाना स्टार्ट करती है। यहाँ पर जिमी उसे मना करता है कि ये सब मत करो, गलत है गलत है। फिर वो बोलता है कि करो करो, बहुत मज़ा आ रहा। फिर अचानक उसको करते करते वो गिटार बजाना छोड़ देती है आधे अधूरे में। फिर जाकर के वो अपनी बड़ी बहन को कॉल करती है, उसकी बड़ी बहन बोलती है कि तुम इसे आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया, उसे पूरा करो। और फिर खूब जाके उसका गिटार बजाती है, और फाइनली उसका ज्वालामुखी फट जाता है और वो काफ़ी। इसके बाद लूसी के मम्मी पापा को दिखाया जाता है, जहाँ लूसी के मम्मी लूसी के पापा को बोलती है कि तुमने हमेशा मेरे साथ घर में टप टप किया है, मुझे कार में भी टप टप करवाना है। तब उसके पिताजी मान जाते हैं। यह लूसी अपनी बड़ी बहन
कैंडी के साथ बैठी हुई होती है, जहाँ कैंडी के बड़े बड़े दो चूचू देखकर उसे काफ़ी जलस फील होती है। फिर वो भी शाम के समय रॉक स्टार पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो भी अपने दो चूचू दिखा करके एक रॉक स्टार सिंगर को पटा लेती है। और फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें अब अगला स्टेप उठाना चाहिए, जहाँ पर तुमने गिटार बजाना सीख लिया है, अब तुम्हें गन्ने का रस चूसना चाहिए। और फिर वो उसे पटा करके ले जाती है। यहाँ पर जिमी भी उसके घर आया हुआ था, आज उन दोनों का डेट था, लेकिन लूसी अपने घर में थी नहीं, अभी ज़रा काफ़ी उदास हो जाता है। फिर उसके रूम में जाकर के उसका वेट करता, जहाँ उसके हाथ में वो डायरी लग जाती है जिसमें सारी लिस्ट थी क्या क्या उसे करना है, और उसे पढ़ के वो काफ़ी हैरान था। यहाँ पर लूसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रॉक स्टार को मुसब्बी का जूस पिलाती है, क्योंकि उसके फ्रेंड ने बोला था कि अगर मुसब्बी का जूस पिलाने के बाद गन्ने का रस बहुत ही मीठा हो जाता है। और फिर उसका गन्ने का रस खूब पीती है, लेकिन उसे फिर भी मज़ा नहीं आता। फिर लूसी के बॉस को किसी चीज़ की आवाज़ लगती है, जब उठ करके वो देखता है कि लूसी किसी और के साथ लगी पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है। उसे बोलता है तुम तुरंत घर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप को कॉल करके बोल दूंगा कि उसकी बेटी किसी और के साथ तितली उड़वा रही है। और ये सब सुनने के बाद लूसी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर ही जिमी उसका घर में इंतजार करता है। उसे बताता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तुमने मेरा यूज़ किया, बहुत गलत किया तुमने। तब लूसी बोलती है कि मेरी इच्छा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं हर एक लड़के का यूज़ करूँगी। और इसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड मई अर्जुन के पास जाती है, जहाँ वो बताती है कि जिमी को सब कुछ पता चल चुका है डायरी के बारे में। तो उसके फ्रेंड बोलती है कि तुम उसे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती है। फिर वो उसके घर जाती है जिमी के, लेकिन जिमी तो नहीं होता, लेकिन उसका फ्रेंड होता है जो उसको उंगली करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उंगली करने पे वो क्या है करती, फिर वो भी मान जाती है, दम तलक उसके साथ तितली उड़वाती है। फिर अगले यहाँ जिमी का दोस्त चूसू चटोरा को बताता है कि उसने रात भर लूसी की लिया। यहाँ तो लूसी जो जो को लाइन में नहीं लगी हुई थी, तभी चटोरा उसके पास पहुँचता है, बोलता है तुम्हें सबको को दिया मुझे भी चाहिए। तो बोलती आना मेरे पुरानी हवेली में, और ये सारी बातें जिमी सुन लेता है। जिमी लूसी के फ्रेंड के पास जाता है सब कुछ पूछने के लिए, लेकिन उसकी फ्रेंड तो उसी को लाइन में लग जाती है, फिर वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ रात होती है, चटोरा लूसी के पास पहुँचता है और लूसी उसको बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरा रात भर कुएँ का पानी पीना होगा। रात भर से अपने कुएँ का पानी पिलवाती है। अगले दिन सुबह में लूसी की फ्रेंड पहुंच जाती है, जहां पर ही वो बताती है, जिसके बाद वो बताती है वो जिमी की दोस्त को डेट कर रही है। यहाँ पर ही लूसी बताती है अच्छा वो उसकी तो मैंने अच्छे से ले ली है। ये सब सुनने में उसकी दोनों फ्रेंड काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो अपने काम में जाती है, तब उसका बॉस बताता है कि उसके बगल में एक टॉप पूल के कुछ लोग हैं जो रात को आते हैं और यहाँ पर तोड़फोड़ करके चले जाते हैं, और ये पिछले 4-5 सालों से हो रहा है। तब लूसी बोलती है कि हमें उनसे बदला लेना चाहिए, और फिर उन्होंने रात को वहाँ पर प्लान बना करके घुस जाते हैं, जहाँ पर वो उनकी सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं और काफ़ी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ जो जो फाइनली लूसी को बोलता है क्या तुम ऐसा डेट पर चलोगी, या लूसी एक खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और वो हाँ बोल देती है। फिर हम यहाँ देखते हैं अगले दिन जिसका पुल इन्होंने बर्बाद किया था उसका मालिक आ जाता है और लूसी के बॉस को बोलता है कि मेरे पास प्रूफ है कि तुमने ये सब कुछ किया, तुम्हें उसका पैसा देना होगा और तुम्हें लूसी को काम से निकालना होगा। उसका बॉस ना चाहते हुए भी उसे काम से निकाल देता है। यहाँ लूसी अपनी मम्मी के पास बैठी हुई होती है, जहाँ उसकी मम्मी उसको वैसलीन देती है, बोलती है इसका इस्तेमाल करो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे वो फाइनली जोजो को रात के समय डेट पे बुलाती है, जहाँ उसके लिए अच्छे से तैयार होती है और वहाँ पर एक कार में जाती है, जहाँ पर जोजो उसके साथ कुछ करने ही वाला होता है और बोलती ना 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 कुछ नया करते हैं, तुम लेटो मैं तुम्हारे ऊपर। और फिर जैसे और यहाँ लूसी का बॉस लूसी को सॉरी बोलने के लिए आया होता है, लेकिन उसकी बहन तो उसे टन के ले जाती है। और यहाँ लूसी जो जैसा लगी पड़ी हुई थी और यहाँ पे उसकी नज़र सामने पड़ती है, जब वो देखती है कि उसके पापा भी उसकी माँ की ले रहते हैं, तब उसको देख करके अब वहाँ से भाग लेती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तब वहाँ पर रास्ते में जोजो की और जिमी की झगड़ा हो जाता है लूसी को लेकर के। लूसी तब उन दोनों को शांत करती है और बोलती है कि बचपन से मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, आज पहली बार कुछ कर रही हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार कर रही हूँ, तो तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम दोनों ने भी तो मेरा मज़ा लिया है। और ये सब बातें बोल करके लूसी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे लूसी के डैड जब घर आते हैं, तो उसकी बड़ी बेटी के साथ लूसी का बॉस लगा पड़ा हुआ था, तब वो उनको छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं लूसी अपने फ्रेंड के पास आती है, जहाँ उनको सॉरी बोलती है, बोलती मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी और मैं आइंदे से सब कुछ नहीं करूँगी। तब कुछ देर के बाद उसका डैड भी आ जाते हैं और उसके डैड पूछते हैं कि तुमने किसी लड़के के साथ डेट पे गई थी, बोले कि नहीं मैं तो किसी लड़के के साथ जाती ही नहीं हूँ। और यहाँ पर ही हम देखते हैं
इसके बाद लूसी जिमी के पास जाती है और उसे बोलती है, क्या मेरे साथ पुरानी हवेली चलोगे? तो वो बोलता है, ज़रूर। और फिर उससे तो पहले दिन अपने आगे वाली खेत की मजदूरी करवाती है, फिर अगले दिन उसे अपने पीछे वाली खेत की मजदूरी करवाती है, और इसी तरह इस मूवी का एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।